दे आर कॉल्ड। और 2 मिनट यहाँ पे मैंने एक्चुअल में, वेट अ मिनट, हमें वैसा करते ना पहले लिख दिया पहले यहाँ पे थोड़ा सा कि हम यहाँ पे नेचर की बात करेंगे। नेचर 7 आपका होगा, नेचर हो गया आपका नेचर। और नेचर में हम यहाँ पे अगर हम बात करें किस टाइम की, तो इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम ट्रू बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं इनको, बट इनको बोलते हैं क्या, सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड बोलते हैं। और या तो फिर यहाँ हमको बोलेंगे हम क्या, हम सुपर कूल लिक्विड। ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ना एमरफोस सॉलिड में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये टाइम टू टाइम में इनमें एक तरह का फ्लो आता है। मतलब तो जैसे कि एक आपका ये विंडो वाला एग्जाम्पल था, जो कितने साल बाद यहाँ पे आपके नीचे की थिकनेस थी विंडो की बढ़ गई थी। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो ग्लास है ना, हमारा एमरफोस सॉलिड होता है, और एमरफोस सॉलिड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको बोलते हैं हम सुपर कूल लिक्विड। तो ये आपका सूडो सॉलिड बोलते हैं, या तो बोलो उसको सुपर कूल लिक्विड, दोनों की बात है। और ये हो गया। फिर यहाँ पे आपका एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, 2 मिनट, यहाँ पे इसकी 8th प्रॉपर्टी, 8th, यस। अगर बात करें यहाँ पे, अगर बात करें यहाँ पे एनआइसोट्रॉपिक की, एनआइसोट्रॉपिक की, तो ये क्या होंगे, ये आपके आइसोट्रॉपिक, ये आपके होंगे, ये आपकी होती है, ये होते हैं यहाँ पे एन आइसोट्रॉपिक के नेचर होते हैं। और आपके ये वाले होते हैं, ये होते हैं हमारे, ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अब ये क्या होता है, इसको हम एक बार देख लेते अच्छे से, हाँ कि ये हो है क्या, चल ये आइसोट्रॉपिक क्या चल रहा है। पूरा बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है एक तरह का। तो यहाँ पे मैं नोट में लिखा दूंगा कि ये प्रॉपर्टी होती क्या, चलो नोट में। बस हमारी 8 प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये एनिसोट्रोपिक क्या होता है। इसमें तो सिंपल यहाँ पे कि और एनिसोट्रोपिक बोल दो यहाँ पे, या तो इनको मैं ये बोल दो, सॉरी उल्टा, 2 मिनट, सही। इतना लिखो फिर बात करते इस पे। देखो सिंपल मैं बताऊँ यहाँ पे सिंपल मीनिंग में इसका मतलब क्या होता है एनिसोट्रोपिक का। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर तुम ना इनकी प्रॉपर्टीज, जो आपके ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज मतलब के मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका, स्ट्रेंथ हो गया, या तो इफेक्टिव इंडेक्स हो गया, नीटर उसको बोलते हैं, या तो कनेक्टिविटी होगी, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, ये आपकी होती है डिफरेंट होती है, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ एनिसोट्रोपिक वो आपके सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्टिव इंडेक्स, नीटा, कंडक्टिविटी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन होता है, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर वही बात करें इस केस में, तो यहाँ पे क्या होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ, नीटा की वैल्यू, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया, इसको हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। हाँ और आपका यहाँ पे कनेक्टिविटी वो क्या होती है, वो होती है सेम सेम इन ऑल डायरेक्शन, सॉरी सेम इन सेम डायरेक्शन, सेम इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा क्लिक नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा ये डाउट जा रहा होगा, मैं तुम्हें इसका कल लिखाऊंगा वीडियो एक तरह का, इससे हम कल बात करेंगे, वीडियो देखिए एक बार कि कैसे ये चीज यहाँ पे ये बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कि कैसे हम डिफरेंट डायरेक्शन में हमें यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल रही है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, और इस केस में यहाँ पे सेम क्यों हो रहा है सेम डायरेक्शन में ऐसा। तुम्हारी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हाँ बोलो भी।